दसवीं क्लास के ही सीबीएसई के सैम्पल पेपर में, इस साल के सैम्पल पेपर में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में दो क्वेश्चन ये भी है, एक नंबर एक क्वेश्चन है दोनों, तो इनको किस तरीके से करना वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है एक्स टेन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर दे रखा है साइन 60 डिग्री और कोट 60 डिग्री, और आपको एक्स की मान निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वही वैल्यू रखनी है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, नहीं तो इसको रिजोल्व करना, सोल्व करना, तो क्या एक्स को यहाँ छोड़ दो, उस तरफ गया तो क्या बचा, ये साइन 60 कोट 60 ऐसे कैसे, और यहाँ बचा आपका टेन 60 और ये बचा कोस 60। ठीक है, आप वैल्यू रख दोगे तो वैल्यू से भी आ जाएगा डायरेक्ट, और अगर इसको सोल्व कर दोगे तो सोल्व करने से भी आ जाएगा। अब सारी चीज़ को क्या करते हैं, साइन और कोस में बदल देते हैं। साइन और कोस में बदला तो यहाँ से आया आपका साइन 60, कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, और टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, ये आपका कोस 60 ऐसे कैसा। यहाँ देखो साइन 60 ने साइन 60 को काटा, कोस 60 ने कोस 60 को काटा, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कोस 60 अपॉन साइन 60, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो आंसर आ गया कोट 60, कोट 60 इसका आंसर है। लेकिन कोट 60 क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया तो इसको क्या करो, टेन में बदल दो, तो टेन में बदलेंगे तो क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 60, तो 90 में से 60 गया तो 30, 10 30 के बराबर है इसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। दूसरा तरीका क्या है, आप स्टार्टिंग में ही वैल्यू पुट कर देते, मान लीजिए ये साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कोट 60, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब नीचे भी ऐसी टेन 60 की वैल्यू √3 और कोस 60 की वैल्यू √3/1/2 होती है, तो आपको वैल्यू अगर ध्यान है तो आप कर देते। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कट गया और ऊपर वाले √2 से √2 कट, √3 कटा, यहाँ बचा 1/√3। 1/√3 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, कोस 10 30 की वैल्यू होती है, तो 10 30 इसका आंसर आ जाता। तो जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आपको करना, करना तो क्या आपको, तो डायरेक्ट ऑप्शन ही लिखना होता है एक नंबर एक क्वेश्चन में। अब जो आठवां क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन करने का भी देखिए भाई, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा मेथड बता रहा हूँ आपको करना किस तरीके से। तो देखिए एक एक तरीका होता है कि हिट एंड ट्रायल, है ना, तो इनकी वैल्यू पुट कर करके आप डायरेक्ट रख दो, और दूसरा तरीका कि इसको सोल्व करो, तो दोनों सा आपको कन्वीनियंट लग रहा है, दोनों सा तरीका बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो उस तरीके से आप करेंगे तो सही रहेगा। देखिए आप किसी एक चीज़ की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, कोस की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि सिंपल आप इसको क्या करो भाई, इसको ही साइन और कोस में तोड़ दो, तो ये हो गया आपका साइन 10 थीटा को तोड़ा तो साइन थीटा अपन कोस थीटा, कोट थीटा को तोड़ा तो कोट कोस अपन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या बचा, ये बचा नीचे एलसीएम लिया तो साइन थीटा, और ये हो गया कोस थीटा, ऊपर आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा तो बंद होता है, नीचे बचा आपका साइन थीटा कोस थीटा बस। अब आपको देखिए ये आपको सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, कि आपको अगर ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है और उसका आप कर देते हो स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो ए की जगह मैं मान लेता हूँ साइन थीटा, बी की जगह मान लेता हूँ कोस थीटा, दोनों को करा स्क्वायर, यहाँ से क्या हुआ, साइन का हो गया स्क्वायर, कोस का हो गया स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कोस थीटा,
इतना काम हो गया। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, अंडर रूट टू दी गई है, तो अंडर रूट टू का करा स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1, आइडेंटिटी होती है, और बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, अंडर रूट टू का स्क्वायर हुआ, तो 2 बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सोल्व करना है। 1 इस तरफ गया तो माइनस, 2 में से माइनस हो गया तो 1 आ गया। यहाँ बता आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा, आपको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि इस चीज़ को जो हमने सोल्व करा था तो हमारे पास सोल्व करने के बाद फाइनल ये आया था। तो इस चीज़ को वहाँ भेज दो 1 के पास, वो नीचे जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और इस तरफ क्या बता, इस तरफ बता 2, तो इसका आंसर आ गया 2। यही आपको करना था, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचना विचारना नहीं है। अगर करना आ रहा है तो ठीक है, वरना उसको छोड़ के चले जाइए। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन में आप ये मत समझिए कि आप पूरा सॉल्व करेंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप कन्फ्यूज होंगे तो छोड़ के चले जाइए। तरीका ये था, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।